पिछले सेशन में हमने बात यहाँ पर ख़त्म की कि प्रोजेक्ट स्केलिंग अप अप्रोच कंसिडरिंग फ्लूड नेचर ऑफ द अप्रोच एंड कंसिडरिंग द फ्लूड नेचर ऑफ सोशल इश्यूज़ एक बेहतर अप्रोच है ज़्यादा यूजफुल या बेनिफिशियल है लेकिन यह भी अपनी लिमिटेशंस के बगैर नहीं है इस सेशन में हम प्रोजेक्ट स्केलिंग अप्रोच की कुछ लिमिटेशन के ऊपर बात करेंगे जहाँ तक प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है तो जो सबसे अहम चीज़ ये मिस कर देते हैं क्योंकि शॉर्ट टाइम स्पेन होता है टारगेट्स होते हैं तो एक्विजिशन ऑफ टेक्ट नॉलेज वो जो इंसानों को और प्रॉब्लम्स को गहराई से समझने की उनके रूट कॉजेस को जानने की एक एफर्ट होती है वो प्रोजेक्ट अप्रोच में मिसिंग होती है आप इतने ज़्यादा सोलूशन फोकस्ड होते हैं एंटरपन्यर्स वो फौरी तौर पर अपने प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स देखना चाहते हैं उसका इम्पेक्ट देखना चाहते हैं उसमें बाजुकात खुद उन्हें समझ नहीं आता कि उन्होंने कहाँ और किस तरह से इनोवेट किया या कौन से फैक्टर थे जो सपोर्टिव थे और कौन से फैक्टर थे जो सो सपोर्टिव नहीं थे या बैरियर क्रिएट कर रहे थे रिज़ल्ट ओरिएंटेड तो है लेकिन प्रोसेस जो है ख़ास तौर पर नॉलेज टेक्ड नॉलेज जो है उसकी एक्विजिशन और उसको लर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है प्रोजेक्ट अप्रोच के हवाले से एक और जो लिमिटेशन थे वो रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट बिल्डिंग के हवाले से आती है इंसान का वो मसाइल का शिकार हूँ और खास जो सामने एंटरप्रेन्योर है वो उनके उस मसले को हल करना चाहता हो या कर रहा हो एक्चुअली अपनी इंटरवेंशन के थ्रू उनके दरमियान एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट कायम होने में टाइम लगता है लोग एक दूसरे को एक दूसरे की नीयत को एक दूसरे के एक्शंस को टेस्ट करते हैं इस इस ये क्यों कर रहा है हमारे लिए इसका क्या फ़ायदा है कि ये हमारे मसाइल हल करना चाहता है इसी तरह एंटरप्रेन्योर सोचता है कम्युनिटी जो है अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो भला इसमें उनका क्या मोटिव है मैंने पिछली कम्युनिटी में जब काम किया था तो वो तो इतने ओपन और पार्टिसिपेटिव नहीं थे सो प्रोजेक्ट बीइंग अ शॉर्ट टाइम पीरियड थिंग वो वो टाइम नहीं देता कि एंटरप्रेन्योर्स मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स बेनिफिशरीज़ एक दूसरे को समझ सकें एक दूसरे के मोटिव्स, काम करने के तरीके मिशन और उससे जो फ़ायदे और नुकसान होने वाले हैं पोटेंशली उनकी इक्वल तकसीम को समझ सकें और इस तरह से एक लॉन्गर लास्टिंग एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट आपस में उनके कायम हो जाए ये चीज़ प्रोजेक्ट अप्रोच में मिसिंग होती है जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यह चीज़ बेहद ज़रूरी है अगर स्केलिंग अप ऑफ सॉल्यूशंस की बात की जाए तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ है बास सोशल इश्यूज जो हैं उनको स्केलिंग अप से एड्रेस किया जा सकता है मसलन एवॉडेबल ब्लाइंडनेस लोग कैटरक्ट का शिकार होते हैं सफेद मोतिया होता है अगर उनका वक्त पर ऑपरेशन हो जाए तो उनको ब्लाइंडनेस से बचाया जा सकता है वंस दे सेव देयर आई साइट वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बना सकते हैं काम कर सकते हैं माशरे में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लेकिन बस दूसरे सोशल प्रॉब्लम्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उनके लिए ये स्केलिंग अप अप्रोच इस्तेमाल नहीं हो सकती फॉर एग्जांपल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर डिस्क्रमनेशन की मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं उसकी वजूहत मुख्तलिफ हैं और उनको एड्रेस करने के हवाले से जो रूल्स या नॉर्म्स मौजूद हैं वो मुख्तलिफ हैं ऐसे में वो जो टेम्पलेट वाला स्केलिंग अप की अप्रोच है उसका इस्तेमाल मुमकिन नहीं होता सो स्कीलिंग इज़ गुड जहाँ पर अमूमा फ़िज़िकल गुड्स एंड सर्विस जो हैं वो इन्वॉल्व हों किसी प्रॉब्लम को हल कर में लेकिन जहाँ पे बिहेवियर चेंज इनटेंजिबल जो इंटरवेंशनस हैं उनकी बात आए वहाँ पर अमूमन स्केलिंग अप जो है वो उस तरह से इफेक्टिव और यूज़फुल नहीं है ये स्केलिंग अप अप्रोच की एक लिमिटेशन है स्केलिंग अप की एक और लिमिटेशन जो है वो ये है कि जब आप एक बड़े पैमाने पर एक टैम्पलेट के ज़रिए से कोई काम कर रहे हैं कोई सर्विस दे रहे हैं या कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके इस्तेमाल उसको एक्सेस करने उससे फ़ायदा लेने में इंसानों के इर्द गिर्द जो उनके इनहेरेंट करेक्ट्रिस्टिक्स हैं वो काउंट नहीं होते फॉर एक्ज़ाम्पल कुछ लोगों की ट्रेनिंग होती है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की और अगर आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं कोई सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो वो लोग जिनकी ऑलरेडी फेमिलरिटी है ट्रेनिंग है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की वो उससे बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं बन उन लोगों के जिनकी ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है बल्कि नतीजतन वो ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे इसी तरह मुख्तफ़ नॉर्म्स होती हैं लोगों की मजहब के हवाले से अपने कल्चर के हवाले से अभी हमने जेंडर की एग्ज़ाम्पल दी दोबारा उसी को कोट करते हैं कि औरतें किसी प्रोडक्ट को कब कैसे और कितनी अच्छी तरह एक्सेस कर सकती हैं किसी सोशल एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी को किस हद तक अवेल कर सकती हैं डिटरमिन होगा उस माशरे में औरतों के स्टेटस औरतों के हवाले से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मज़हब जो गाइडेंस देता है और वहाँ पे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उससे इसी तरह बास दूसरी प्रोडक्ट के हवाले से उस माशरे में मर्दों को जो एक्सपेक्टेशंस हैं मर्दों से उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो नॉर्म्स हैं और जो कल्चरल प्रैक्टिस हैं वो उन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए उन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं उन सोशल एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव से फ़ायदा उठा सकते हैं स्केलिंग अप जो है वो इन चीज़ों को इग्नोर करती है उससे क्या होता है कि वो लोग जो वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट में फ़िट होते हैं वो तो फ़ायदा उठा पाते हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है लेकिन माशरे में तकसीम या तफरीक जिसको ख़त्म करने के लिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स काम करते हैं वो एक्चुअली बाजुकत बढ़ जाती है जैसे हमने टेक्नोलॉजी की एग्जाम्पल दी इन शॉर्ट जैसे प्रोजेक्ट अप्रोच और स्केलिंग अप अप्रोच के कुछ फ़ायदे हैं इसी तरह इन दोनों की कुछ लिमिटेशंस हैं अभी तक जो थ्रेटिकल हमारे पास नॉलेज आया है और प्रैक्टिस से जो हमारी अप्रोच सामने आई है वो इवॉल्विंग है अभी हम लेसन्स लर्न कर रहे हैं दोनों अप्रोचेस की जो लिमिटेशन्स हैं उनको एड्रेस करते हुए हो सकता है किसी वक्त फ्यूचर में हम उसमें से कोई थेरी ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इवॉल्व करने में कामयाब हो जाए थैंक यू